अब जमाना ई व्हीकल का है, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, जो पेट्रोल डीजल की कीमतों से तो निजात दिलाएगी ही, प्रदूषण से भी बचाएगी। लोग इसका इस्तेमाल भी करने लगे हैं, लिहाजा अब ई व्हीकल को ध्यान में रखकर नई तकनीक भी इजाद की जाने लगी है। और ऐसी एक नई तकनीक विकसित की गई है IIT BHU के द्वारा। IIT BHU ने बनाया है ऑनबोर्ड चार्जर। इसके जरिए सोलर के अलावा ग्रिड से भी ई वाहनों की चार्जिंग आसानी से की जा सकेगी। इस चार्जिंग तकनीक को विकसित किया है IIT BHU के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के मुख्य परियोजना अन्वेषक और विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव कुमार ने। उनके मुताबिक इस तरह के चार्जिंग तकनीक से चार्जिंग के लिए इनपुट सोलर पैनल और ग्रिड दोनों से लिया जाएगा। हालांकि ये ज्यादा पावर सोलर पैनल से लेगा और जरूरत पड़ने पर ग्रिड के पावर का इस्तेमाल करेगा। नई टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें की इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करने के लिए हमने इनपुट सोलर पैनल से और ग्रिड से दोनों से लिया है, और एक ऐसा नई टेक्नोलॉजी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस डेवलप किया है जिसमें कि जो मैक्सिमम पावर होगा वो सोलर पैनल से हम लेंगे इनपुट साइड में, और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी हम ग्रिड पावर को यूज़ करेंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक समय में आपको चार्ज करना होता है तो उस परिस्थिति में आपको ग्रिड को बहुत बर्डन करना नहीं पड़ेगा, आप रिन्यूएबल एनर्जी से जो पावर प्रोड्यूस होती है उसी पावर को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल को आप चार्ज कर सकते हैं। और इस पूरे टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने यूज़ किया है अपने ई रिक्शा चार्जिंग के वेरिफिकेशन के लिए। इस चार्जिंग तकनीक की खासियत यह है कि ये ई वाहन को चार्ज करने के लिए उनकी मशीन खुद ही ऑटोमेटिक चुनाव कर लेगी कि बैटरी चार्ज सोलर पैनल से करनी है या फिर ग्रिड की बिजली से। तो यहाँ पे ये मशीन एक्चुअली ई रिक्शा के बैटरी चार्जिंग के लिए यूज हो रही है। यहाँ पे चाहे तो ग्रिड से जो पावर अवेलेबल है उससे चार्जिंग हो सकती है, या फिर जो PV पैनल है सोलर एनर्जी उसके थ्रू चार्जिंग कर सकते हैं। इस चार्जिंग तकनीक को पूरी तरह से अमल में लाने में 2 साल लगे। इस रिसर्च और प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी टीम को अब उस दिन का इंतजार है जब ये तकनीक लोगों के बीच पहुंचेगी और लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस तकनीक के मार्केट में आ जाने के बाद से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।